गाइज, अगर आप पबजी खेलने का शौक रखते हैं लेकिन जब पबजी इंडिया में बैन हुआ था तब आपने अपना पबजी डिलीट कर दिया, या फिर आपका पबजी भी बैन हो गया जिसके बाद आपने अपना पबजी डिलीट कर दिया और अब आप अपने आस पड़ोस के लड़कों को पबजी खेलते हुए देखते हैं, तो आपका भी मन पबजी खेलने का करता है लेकिन आपको नहीं पता कि वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप किसी दूसरे के मोबाइल से ले भी लेते हैं तो वो आपके मोबाइल में चलता नहीं है, किसी तरह का एरर दिखाता है, लेकिन आप पबजी खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि किस तरह से आप पबजी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्ले भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन गाइज, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है राहुल रिचुनिया, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में घंटी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पबजी हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पबजी हम प्ले कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको सर्च करना है सॉफ्टोनिक। दोस्तों हम आपको सर्च करके दिखाते हैं सॉफ्टोनिक, हम जैसे ही सर्च करते हैं SOFTONIC इसकी स्पेलिंग है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा। तो हम इसको जैसे ही सर्च करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने कुछ साइट्स ओपन हो जाती हैं। तो सबसे ऊपर जो साइट दिखाई दे रही है उस पर हमको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद वो सारे एप्लीकेशंस ओपन हो जाते हैं जिन पर कि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था, उनमें आप देख सकते हैं पबजी भी इस तरह से ओपन हो जाता है। आप इसको डायरेक्ट क्लिक करके इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि इनमें आपको पबजी नहीं दिखाई देता है तो ऊपर सर्च बार आप देख सकते हैं सर्च वाला ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है और जो भी बैन एप्लीकेशन आपको यहाँ पर डाउनलोड करनी है वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो हमको करना है पबजी मोबाइल, तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं पबजी मोबाइल और टाइप करने के बाद आपको करना है सर्च। तो हम जैसे ही सर्च करते हैं तो मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पबजी के जितने भी वर्जन हैं वो इस तरह से ओपन हो जाते हैं। तो आपको जो भी एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड करनी है वो आप कर सकते हैं। तो पबजी मोबाइल, पबजी मोबाइल लाइट, बेटा पबजी मोबाइल, इनमें से जो भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो हमको करना है पबजी मोबाइल, तो पबजी मोबाइल पर हम क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है जिसमें कि फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आता है। तो उस पर हमको क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है जिसमें कि आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, फ्री APK डाउनलोड और अल्टरनेटिव डाउनलोड। तो हमको करना है फ्री APK डाउनलोड पर क्लिक। तो उस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है जिसमें कि आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग हो रही है। लेकिन दोस्तों, डाउनलोडिंग स्टार्ट होने से पहले सबसे नीचे आप देख सकते हैं एक वार्निंग दी जाती है जिसको हमको ओके कर देना है, और इसको ओके करने के बाद आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन बार में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये जैसे ही डाउनलोड हो जाए तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और यदि डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आता है, इफ़ द डाउनलोड डज नॉट स्टार्ट ऑटोमेटिकली क्लिक हेयर। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब है कि यदि आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं होती है तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद आपका पबजी डायरेक्टली चल जाता है तो ठीक है, वरना आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जाकर, उसका नाम है नेट कैप्सूल। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं मेरे फ़ोन में ऑलरेडी ये नेट कैप्सूल VPN इंस्टॉल है, इसीलिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड कर नहीं आ रहा है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद इसको हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो हम जैसे ही इसको ओपन करते हैं, ओपन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं टैप टू कनेक्ट, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा और इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर कनेक्टिंग में लोडिंग चलेगी। तो आप देख सकते हैं इसको 100% होने तक इंतज़ार करिएगा। तो आप देख सकते हैं इसको आप जितने टाइम तक कनेक्ट करना चाहते हैं, 1 आवर के लिए करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा और इसको गॉट इट कर दीजिएगा। गेट इट पर क्लिक करने के बाद 5 सेकंड का ये ऐड आएगा, इसको 5 सेकंड कंप्लीट होने के बाद इसको क्लोज कर दीजिएगा। तो हम इसका कर देते हैं क्लोज, और क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टैप टू डिसकनेक्ट वाला ऑप्शन आ जाता है, इसका मतलब कि आपका VPN कनेक्ट हो चुका है। और ऊपर भी आप देख सकते हैं कनेक्टेड वाला ऑप्शन आ जाता है, इसका मतलब आपका VPN कनेक्ट हो चुका है। और VPN कनेक्ट होने के बाद आपको करना है अपना पबजी ओपन। तो दोस्तों हम आपको अपना पबजी ओपन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपना पबजी ओपन कर लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओपन करने के बाद यहाँ पर लोडिंग दिखा रहा है,
लोडिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, आप इंतज़ार कर लीजिएगा। और लोडिंग होने के बाद आपका पबजी जो भी परमिशंस मांगता है उसको अलाउ कर दीजिएगा और सारे ऑप्शंस को ओके करते जाइएगा। और सारी परमिशंस को अलाउ करने के बाद, थोड़ी देर लोडिंग करने के बाद आपका पबजी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम अपने गेम की लॉबी में आ चुके हैं। और दोस्तों, स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करके आप अपना गेम स्टार्ट कर सकते हैं और आसानी से अपना गेम प्ले कर सकते हैं। और यदि आपको गेम डाउनलोड करने में या फिर गेम प्ले करने में किसी भी तरह की परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपकी हर समस्या का समाधान करने का हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप गाइज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटी जरूर दबा दीजिएगा।